Hi guys, welcome back to Class of Learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. And yes, I am दोबारा से आपके लिए with MAG1, but this time the modern and the postmodernist poet के साथ. आपने कहा सर अब आप help कर रहे हैं तो पूरी कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमने किया सबसे पहला block, अब हम करेंगे सबसे आखिरी block. In last video you've seen the Chaucer work. जी हाँ Chaucer work को आपने कहा सर Rtc'S को कैसे identify करेंगे. अब उस Rtc'S को identify करने के बाद हम आते हैं सीधा last block में. जिसकी डिस्कशन बहुत कम हुई हो, जिसको आपने टच भी नहीं किया होगा, सीरियसली आपने टच भी नहीं किया होगा, लेकिन मैं क्लियर करता हूं, अगर बाय द चांस Rtc'S का पेपर आता है तो कंफर्म Rtc'S यहां से आएगी, कंफर्म क्वेश्चन 10th यहां से होगा. तो आपने कहा सर कंफर्म 10th क्वेश्चन होगा सर, ये तो बहुत मुश्किल होने वाला है. नहीं, ये बहुत इजी है, बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे एंड यू मस्ट गो फॉर दिस. आपने कहा सर इवन आपने जो वीडियो कही थी कि दो दिन में कैसे प्रिपेयर करें, उसमें आपने इसे मेंशन किया था या आई डिड मेंशन, लेकिन मैंने वहां ये नहीं बताया था कि वो Rtc के लिए. अगर Rtc का पेपर आता है पूरा कंप्लीट जहां सिर्फ और सिर्फ Rtc आते हैं तो दिक्कत हो जाएगी. वी नीड टू नो दिस. तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हो या इन 10 वीडियोस को फॉलो करोगे यू गोइंग टू क्रैक. तो कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं. पहले हमें जानना किसको है, द मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट पॉइंट. जी हाँ, इनको समझना है तो हमें वर्कआउट करना है थॉमस को, लार्किन को, प्रेत को. आपने कहा सर तीन पॉइंट्स को वर्कआउट करना है. जी हाँ, तीन पॉइंट्स को वर्कआउट करना है, कुछ पांच पोएट्रीज को जानना है. सच एज द वन हिल, आई रिमेंबर टोर्स चर्च कॉइन एंड द विट्सन वेडिंग्स. जी हाँ, प्लीज राइट डाउन दीज, ये सारी की सारी लिख लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए. आपने कहा हाउ आर गोइंग टू रूल आउट, कौन सी पोएट्री है, किसकी पोएट्री है, हम कैसे समझेंगे, ये जरूरी है. यू कैन राइट डाउन दीज. The first I will be going to mention all about these poetries, these poets. जी हाँ, आपने कहा सर postmodernist poet है, modernist और postmodernist poet. अब इनको जानना है तो इनकी पांच poetries जो हमें करनी है, वो पांच poetries शुरू हुई है final से. जी हाँ, then I remember, then we have the toads. जी हाँ, हमारे पास है, and then we are having the church going and Whitson wedding. इससे पहले आगे चलो, if you are watching the video first time, guys, do subscribe the channel. And don't forget to press the notification button because the lots of videos are going to be uploaded soon for your exam. अब basics पे आते हैं. आपने कहा सर Rtc'S को कैसे find out करना है? तो यहाँ दो Rtc'S लिखी हैं. ये दोनों Rtc'S हैं, इन पांच poetry से हैं. सर पांच में से कोई दो की हैं. आप कहोगे सर कौन सी है? How are going to do it? तो please help करो सर, हम इसको work out कर लेते हैं. सर चेक करने का तरीका, सर identify, how to identify Rtc'S. आपने कहा कैसे आइडेंटिफाई करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. इसमें इंग्लिश गलत नहीं है, पहले कहता हूं कोई गलत इंग्लिश नहीं होगी, नॉर्मल इंग्लिश जो हम लिखते हैं. सर दूसरा, सर इसमें क्या कुछ अलग बताया? नहीं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वे है दैट यू नीड टू नो द समरी ऑफ और एनालिसिस ऑफ दीस पोएट्री. जी हाँ, आपको इन पोएट्रीज की समरी या एनालिसिस को डील करना है. सर कैसे डील करना है? सर टाइम नहीं है, इतनी सारी पोएट्रीज ऑलरेडी है, तो यार नोट्स है मेरे आपके पास, उन नोट्स में जाओ, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दी हुई है इन पोएट्रीज की, वहां से एनालिसिस को रीड करो. इन पांच पोएट्री की थीम्स, सर एक शॉर्ट स्टोरी की तरह पढ़ रहे हैं. डोंट गो फॉर पोएट्री, गो विद द शॉर्ट स्टोरी. ऐसे पढ़ोगे आप शॉर्ट स्टोरी को पढ़ो, फन हिल की शॉर्ट स्टोरी क्या है, टोर्ट्स की स्टोरीज क्या है, आई रिमेंबर की स्टोरी क्या है, चर्च गोइंग में क्या थीम है, या विट्सन वेडिंग में क्या थीम है. ऐसे क्लियर करो, गो लाइक दिस, डोंट फॉलो बिगन हर्डल की यार ये भी करना है, कैसे करूंगा, हाउ आई एम गोइंग टू वर्क इट आउट. तो आपने ये क्लियर करना और इजिली, एंड आई अश्योर यू गाइस नॉट मोर देन वन आवर दीस फाइव मी. आपने कहा सर हम रीड करते हैं, and at times must be unignorable silence, and at times must be unignorable silence. Now blue god knows how long heartless I take off my cycle flips in awkward reverence, my cycle flips in awkward reverence. Maine kaha sir how are we able to grab this, sir kya hai, kaise workout karunga, kahan se liya gaya, church going. How to work out the church going? जी हाँ, लार्किन की बात कर रहा हूं मैं. मैंने कहा सर लार्किन की बात की, सर तो थॉमस की नहीं, सर लार्किन, सर हाँ चर्च गोइंग की बात की.
तो सर यहाँ पे पोएट को आइडेंटिफाई करना जरूरी था, मैंने बोला चर्च गोइंग, जी हाँ यू नीड टू वर्क विद चर्च गोइंग, चर्च गोइंग को रूल आउट किया एंड यू गेट द बेसिक्स, ये ही चाहिए था आपको। अब ये आपको ऑन टिप चाहिए कि पहले रेफरेंस पे ध्यान देना था जो आपने वर्कआउट किया, आप इजी ग्रैप भी कर पाए। नाउ वो क्या है, चेंजेस कैसे डील करेंगे, सो दिस इज ऑल अबाउट अ टेंस एंड अ मस्टी एंड इग्नोरिंग साइलेंस व्यू गॉड नोज हाउ लॉन्ग हॉटलेस आई टेक ऑफ माय साइकिल क्लिप्स इन अ ऑकवर्ड रेफरेंस, सो दिस इज टेकन फ्रॉम द चर्च पॉइंट। अब आपने कहा सर तरीका वही रहेगा, पहले रेफरेंस देंगे फिर कॉन्टेक्स्ट बताएंगे, एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे एंड गो फॉर द क्रिटिकल एप्रिसिएशन। जी हाँ क्रिटिकल एप्रिसिएशन याद करने की जरूरत नहीं है, जो बेसिक आपको क्लियर है जो आपको पता है सिर्फ उसी पे जाना है आपको एंड मूव टू द वेरी नेक्स्ट आर्टिसीज, दैट इज आई नेवर लर्न टू वेन, आई रिपीट आई नेवर लर्न टू वेन आई गॉट डिप्रेस्ड, आई नेवर लर्न टू वेन आई गॉट डिप्रेस्ड, The boys all biceps and girls all chest. Here the writer trying to identify male and female through their body organs. The comic fought their form where I could be really myself. I will show you. Come to that. The back end way I never trembling set. So I need to work it out. आपने कहा सर क्या है कैसे वर्कआउट करना है? I remember. ये हमें आना चाहिए। हाउ वी गेट टू नो, तो यहां पे आपको हाईलाइट हो गया जहां पे कुछ पॉइंट्स ह्यूमन ऑर्गन्स को यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट इज द बेसिक पॉइंट इन आई रिमेंबर जो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कैसे पॉइंट ने आइडेंटिफाई किया आर्टिसिस को। तो सर आर्टिसिस को आइडेंटिफाई करने का बेस्ट वे पॉइंट्स को जानना और इस पूरे के पूरे ब्लॉक को समझना, मतलब अगर मैं बोलूं आप बोल रहे हैं मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट पोएट्स को जानना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन दीज थिंग्स। अगर आप इस ब्लॉक को अच्छे से ग्रिप बनाते हैं, द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू हैव गो थ्रू द समरी और एनालिसिस ऑफ दीज पॉइंट, ये अभी शुरू करेंगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द समरी और एनालिसिस ऑफ दीज पॉइंट, जी हाँ इन पॉइंट्स की समरी या एनालिसिस को अभी रीड करेंगे, नहीं समझ में आती तो लिंक्स पे जाएं, वीडियोस में आपको वीडियोस मिल जाएंगी वहां से आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट। देन सेकंड थिंग दैट यू नीड टू रीड करने के बाद डू राइट योन, प्लीज डू राइट योन विद वन आर्टिसी ऑफ दैट पोएट्री, आप भी खुद उस आर्टिसी लिखेंगे, उसके एक पोएम की एक आर्टिसी लिखेंगे, कोई भी उठाएंगे एक स्टैंजा एक पैराग्राफ उठाएंगे उसे लिखेंगे और फिर इन योर ओन वर्ड्स यू नीड टू राइट डाउन द एनालिसिस ऑफ दैट पोएट्री, अपने वर्ड्स में इन योर ओन वर्ड्स लिख दिया। थर्ड पॉइंट, जी हाँ फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया, फर्स्ट क्या था पोएट्री की समरी या एनालिसिस, जी हाँ नहीं सर फर्स्ट था आर्टिसी, सेकंड उसके नीचे उसकी समरी या एनालिसिस वो लिखना है एंड देन राइट ऑन द नेम ऑफ द पोएट, जी हाँ रिमेंबर द नेम ऑफ द पोएट, वो छोटे बच्चे होते तो हम याद करते थे कि कौन सा पोएट है किसका, याद हो हमें तो ऐसे में बोध किया हमने टेंथ में भी किया था, वही बच्चों ने वापस किया कि यहाँ पोएट्स का नाम याद होना चाहिए, यू मस्ट नो द नेम ऑफ द पोएट्स, क्या है कैसे लिखते हैं क्या चेंजेस आते हैं, क्या सर ऐसे टाइप क्वेश्चन आ सकता है, नो चांस फॉर ऐसे टाइप क्वेश्चन फ्रॉम दिस ब्लॉक, पहले क्लियर करता हूं किसी भी तरह का कोई चांस नहीं ऐसे टाइप क्वेश्चन इस ब्लॉक से आएगा, तो आपने अभी और अभी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस देना है इन बेसिक्स के ऊपर जो मैंने आपको बता दिए हैं, आप इनके ऊपर काम करेंगे एंड यू एबल टू गेट व्हाट यू वांट, द बेसिक इज वेरी क्लियर दैट हाउ एंड व्हाट मैनर वी नीड टू वर्क इट आउट, आंसर कैसे देना है। तो अगली वीडियो की बात करते हैं जहां हमने पढ़ना है, तो पहले क्लियर करेंगे, मैंने अभी आपको पहले ब्लॉक में बताया दैट फर्स्ट विल वर्क आउट द चौसर, फिर हम सीधा लास्ट ब्लॉक पे आए, जी हाँ मॉडर्निस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट पॉइंट की हमने, अब हम जाएंगे बिल्कुल बीच में, जी हाँ नेक्स्ट वीडियो फॉर द मेटाफिजिकल्स, जी हाँ मेटाफिजिकल्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे मेटाफिजिकल्स को, तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन द वीडियो और मेक द वीडियो फॉर यू गाइस जिसमें आपको क्लियर करूंगा कि आपको किन चीजों पर ध्यान देना है और कैसे आप मैक्सिमम नंबर्स स्कोर कर सकते हैं इन दैट पर्टिकुलर वीडियोस, बहुत इजी है, इजी ग्रैप करेंगे समझ पाएंगे वो चीजों को क्लियर करेंगे,
grab the things with both your hands. Ji ha, kyunki time nahi hai and you have to get maximums. Till then, keep watching. Achhi lagi ho to share with the other people so that they can get the maximum. And haan, jinhone subscribe nahi kiya, wo subscribe karke notification button ko press kar lenge because lots of videos are going to be uploaded just for you people guys.